हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 30 अगस्त, तो चलिए आज का दिन भी शुरू करते हैं। लूना की नींद तो बॉल देख के ही खुल जाती है हमेशा। और ये मेरे बालों का क्या प्रॉब्लम है? इनको तो मैंने बैंग्स काटा है ना, बैंग्स लग नहीं रहे हैं। और ये देखिए गाइस, मेरी मम्मी सुबह सुबह अपने फूलों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है और मेरा ब्रश भी नहीं होता है ठीक से। ये ऑर्किड मम्मी नया लेके आई है, तो इसको तो ज़्यादा न्यूट्रिशन और प्रोटीन की ज़रूरत है, तो मम्मी उसी के बारे में मतलब कुछ कर रही थी। हाँ, अच्छा लग रहा है वैसे, प्यारा कलर है। हम भी अंदर चलते हैं और पानी पी लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह पानी पीना बहुत ज़रूरी है गाइस। और लूना तो वैसे कहीं भी आ जाती है, सोएगी और चली जाएगी। ये देखिए, हाय लूना, की खाले तुम्हें? क्या माम खाला कि नहीं? हम जब भी कुछ खाते हैं गाइस, लूना ऐसे ही साइड में बैठती रहती है ताकि अगर कुछ गिर जाए तो वो भी खा लेगी। लेकिन हमसे पहले खाना उसी को मिलता है गाइस, ऐसा नहीं है। उसके चेहरे पे मत जाइए। तुम्हें उल्लू करोगा? उल्लू करोगा तुम्हें? हाँ कम बोला उल्लू दे आजे, ये तो खुली लौं लिया मैं, ना हो तो बया हो सब बनो हो बोला। अब तुम्हें कौन बचाएगा? चलो बोला बैठूम बोला हड्डी दीम तब से। हाँ उल्लू दे आजी कम बोला। चलो चलो बोला उठ 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 ओए प्लीज लूनो ओए तू लूनो करा ले जा हरे की बिनी की वो गाढ़ बोला बोला मुने 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 मुने। लूना को गाइस कभी भी नहाना नहीं होता है, लेकिन एक बार नहाना शुरू किया तो वो एंजॉय करने लगती है। देखिए आप, आगे देखते रहिए आप। और ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि अभी ये सो ही जाएगी यहीं पे। शैम्पू के बाद अभी हम लूना को अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैं भी आधा धुल ही चुकी हूँ मतलब इसी के साथ। ये देखिए गाइस, लग रही है ना हमारी लूना क्यूट। अभी गाइस हम लूना को अच्छे से पोंछ लेंगे, फिर हम ड्रायर से उसको ड्राई कर लेंगे। आप देखते रहिए वो कैसे एंजॉय करती है इस प्रोसेस को। आपका डॉगी भी एंजॉय करता है क्या? आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन पे। देखिए कितनी अच्छे से बैठ रही है ना ये, इंसानों की तरह एकदम। लूना का यही सब बात मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो चलिए अभी हम खुद नहा लेते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे हम, क्योंकि मुझे आज कहीं पे जाना भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी लेके चले। और ये देखिए गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ। ये है मेरा आउटफिट और बैग भी लिया है आज मैंने। वैसे ये टॉप का कलर कितना अच्छा है ना, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है गाइस। और ये मम्मी ने दरवाजे पे माला लगाई है आज, क्योंकि आज कृष्णा का हैप्पी बर्थडे है। और ये गाइस, आप सोच रहे होंगे इतनी गर्मी में ये क्या कर रही है, मतलब इतना धूप है, मुझे सनबर्न नहीं करना है और धूल भी बहुत है गाइस। तो मैं ये पहन लूँगी एकदम जंग पे जाने के लिए तैयार, और हेलमेट भी पहन लूँगी, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ
हम अपना सफ़र शुरू करते हैं गाइस। ऐसा लग रहा है कि मैं राइड कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ पीछे बैठ के आराम कर रही हूँ गाइस। तो चलिए चलते हैं। ऐसा देख के लग रहा है कि आज बारिश होने वाली है, लेकिन मुझे अपनी शॉपिंग भी करनी है, तो चलिए फटाफट चलते हैं हम। यहाँ से हमको सीधा जाना था गाइस, लेकिन हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं उस ब्रिज के ऊपर। तो आज हम कामाख्या रेलवे स्टेशन से होके फिर से मेन रोड निकाल लेंगे। देखिए आप कितने चालाक हैं ना हम। तो अगर आप भी कभी मालेगांव में फंस जाते हैं तो यही है आपका परमानेंट सोल्यूशन। ब्रह्मपुत्र रिवर में पानी बहुत बढ़ गया है गाइस, और हम दोनों आपको यही दिखाने के लिए यहाँ पे रुके हैं। और वो लड़का वहाँ पे क्यों नहा रहा है? खुद की ज़िंदगी से प्यार नहीं है मतलब उसको? मुझे तो बहुत डर लगता है पानी से। फिर भी ये आपको दिखाते हैं और हम फिर से चलते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट करेंगे तो शाम को लेट हो जाएगा हमें। पानी के साथ मेरा 50-50 है गाइस। अच्छा भी लगता है देखने के लिए और डर भी लगता है। मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ। अभी अभी गाइस मुझे पुलिस ने रोक लिया था, क्योंकि उनको लगा था मैं लड़का हूँ, क्योंकि मैं एकदम लड़का बन के आई हूँ शायद, लेकिन मैं बच गई गाइस। तो गाइस ये है सेंट्रल मॉल, लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, पहले हम सिटी सेंटर जाएंगे, क्योंकि वो मॉल मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पर्सनली। बट फिर भी ये देखिए बारिश होने ही वाला है, फटाफट चलते हैं। और ये रहा सिटी सेंटर। ये देखिए गाइस, मैं अपने असली रूप में आ चुकी हूँ, जैसे कि मैं घर से निकली थी अच्छे से। लेकिन वैसे धक्के आना भी बहुत ज़रूरी था, नहीं तो अभी मेरा ये हाल नहीं होता। तो गाइस आज यहाँ पे हम सिर्फ मेरे लिए एक जीन्स लेने के लिए आए हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ एक जीन्स ही चाहिए और वैसे अभी कुछ लेना नहीं है। वैसे ये जीन्स मेरा बर्थडे गिफ्ट है, और जो बर्थडे मेरा अक्टूबर में है उसका गिफ्ट मुझे अभी मिल रहा है, क्योंकि यू नो असमीज मॉम्स एंड हर कैलकुलेशंस। মম জিন্সৰ লাগিছিলে অলপ পেটলা পেটলা, এনেকা মই যোনটো পিন্ধি আছো বুলি কাৰণে। ये इंसान यहाँ पे इतने अच्छे से कैसे चढ़ सकता है? मतलब मुझे तो इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है गाइस, क्योंकि मैं कहीं पे भी गिर जाती हूँ, कहीं पे भी। तो हाफ पेंटर लगा बैग दिशा तुम्हें फ्री हाफ पेंट भरा ले जाओ पागे। पेन की निजर पेन के साथ मुखे लगी पेन तो गाइस आपको विश्वास हो गया मेरी बात पे? क्योंकि मुझे यहाँ पे जीन्स नहीं मिला तो अपने मोबाइल के बारे में ही पूछ लेते हैं। कुछ स्टोरेज का पूछना था, लेकिन इन लोगों को भी कुछ खास पता नहीं है।
लेकिन उन लोगों ने कुछ अलग दुकान का नाम बताया है, वहाँ पे जाके मुझे सेटिंग्स में कुछ ठीक कराना होगा, क्योंकि आजकल मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो ज़्यादा ही स्पेस लेता है मतलब वीडियोस। और गाइस बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन मैं भीग भी गई हूँ, मगर आज जीन्स खरीद के ही घर जाएंगे मतलब ठान लिया है। लेकिन अब बहुत भूख लग रही है तो पहले जाके पेट पूजा करते हैं, क्योंकि घर में हॉर्लिक्स खा के आए थे और अभी भूख लग रही है, बहुत देर भी हो चुकी है। और क्योंकि गाइस हमें लेट नहीं करनी है और आज जन्माष्टमी भी है, तो हम सिर्फ एक डोसा खाएंगे और फिर से चलेंगे अपने जीन्स के मिशन को पूरा करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं सेंट्रल मॉल, क्योंकि उसको इग्नोर मार के आए थे तो अभी वहीं पे जाना पड़ेगा। तो चलिए गाइस अभी देखते हैं यहाँ पे मुझे अपना जीन्स मिलता है कि नहीं, क्योंकि दोपहर तो हो चुकी है और अभी तक मुझे सिर्फ एक जीन्स नहीं मिली है गाइस, सुबह से वही ढूंढ रहे हैं हम। दो तीन दुकान देखने के बाद अभी हम बोर हो चुके हैं तो थोड़ा सा गिटार देख लेते हैं, क्योंकि मुझे शायद एक गिटार लेना भी है गाइस, लेकिन आज ये नहीं लेंगे, आज जिस काम से आए हैं वही को निपटा के घर जाएंगे। ये सब देखने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए और मैंने कुछ रिसर्च भी नहीं किया है मुझे कौन सा लेना है, तो हम बाद में आएंगे इसको लेने। तो गाइस इस मोमेंट में मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे बहुत टेंशन भी हो रहा है कि जीन्स नहीं खरीदा तो ब्लॉग में क्या दिखाएंगे। तो अभी हम ऑनलाइन यहाँ पे सेंट्रल मॉल के सामने बैठ के ऑनलाइन जीन्स देखेंगे, इतने महान हैं हम लोग। हमेशा की तरह मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ तो मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करूँगी गाइस। और ये देखिए गाइस मम्मी को फ़ोन करने के बाद मेरा टेंशन डबल हो चुका है, क्योंकि मम्मी के हिसाब से मुझे अब तक जीन्स मिल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक जीन्स ही चाहिए, तो आज और देखते हैं किसी किसी दुकान में। और ये देखिए गाइस मुझे आखिरकार अपना जीन्स मिल ही गया मन पसंद वाला, तो कुछ देर किए बगैर अभी इसको खरीद लेते हैं फाइनली। तो गाइस अभी हम फटाफट घर चलते हैं, क्योंकि आज जन्माष्टमी भी है और लेट भी बहुत हो गया है गाइस, पूरा दिन एक जीन्स के लिए मैंने बिता दिया आज। और ये देखिए गाइस आज भी बैलून्स है, लेकिन आज टाइम नहीं है हमारे पास, कभी ना कभी तो मैं जरूर खेलूंगी इन लोगों को, आज स्विमिंग पूल भी है। तो गाइस ये हम रुके हैं लड्डू लेने के लिए, क्योंकि ये जन्माष्टमी है और मम्मी को पूजा के लिए लड्डू चाहिए, तो हम लड्डू ले लेते हैं और घर चलते हैं। फाइनली गाइस हम घर पहुंच गए हैं, तो अभी फटाफट जाते हैं नहा धो लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पूजा है एंड सेकेंड थिंग बाहर से आए हैं तो नहाना तो पड़ेगा। तो मैं आपको फ्रेश होकर मिलती हूँ पूजा के टाइम में। ये रही मेरी मम्मी अच्छे से पूजा कर रही है, तो हम भी अच्छे से पूजा कर लेते हैं। चलिए
और ये रहा मेरी मम्मी ने कृष्णा के लिए प्रसाद रेडी किया है क्योंकि आज इनका हैप्पी बर्थडे है, तो अभी इनको ये प्रसाद चढ़ा देते हैं और हम थोड़ा लेट खाएंगे प्रसाद। सो गाइस, आज के लिए इतना ही था। मैं ये व्लॉग अभी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, तो मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। ये देखिए बॉल, अभी भी बॉल में ही अटकी हुई है लूना।